जहाँ तक मार्च 1 से लेकर अब तक जब से सेकेंड सर्ज शुरू हुई है, हमारे टोटल 2365 पॉजिटिव केसेस हमारे डिटेक्ट हुए हैं, जिसमें से 896 इस वक्त एक्टिव हैं और 1444 जो है वो रिकवर कर गए हैं। 25 डेथ्स भी हमारे डिस्ट्रिक्ट में हुई हैं। जहाँ तक इस वक्त सेल्फ आइसोलेटिंग और जो ट्रॉमा सेंटर में रिकवर हो रहे हैं उनका ताल्लुक है, तो वो कोई 896 है। हमारा जो केस लोड है इन द मंथ ऑफ मई वो काफ़ी बड़ा है, और लॉकडाउन कोरोना कर्फ्यू की इम्पोजिशन के बाद भी बीच में कभी कभी हमारे केसेस जो होते हैं वो एबनॉर्मली राइज करते हैं। आज एक खुशाइन बात यह है कि हमारे 343 केसेस जो हैं, वो जो एक्टिव केसेस थे वो रिकवर हो चुके हैं, और जो आज की पॉजिटिव केसेस हैं वो 71 है। कल हमारे 128 केसेस आए थे और उससे एक दिन पहले 201 जो अभी तक के हाईएस्ट केसेस थे वो आए थे, लेकिन दैट कैन बी एट्रीब्यूटेड मोर बिकॉज ऑफ द रैट पॉजिटिविटी इन ट्रेवलर्स एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। ओवरऑल हमारी जो जो कोविड कंटेनमेंट मेजर्स हैं उनकी वजह से वी हैव बीन एबल टू कंट्रोल द स्प्रेड। लेकिन जैसा कि पिछली कुछ मीटिंग्स में ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर सर ने इन द प्रेजेंस ऑफ दी वर्दी चीफ सेक्रेटरी सर, और उसके बाद जो सीरीज ऑफ बाकी मीटिंग्स होती हैं जो डिपकॉम सर ने भी चेयर की, फाइनेंशियल कमिश्नर हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन ने भी चेयर की, और उसमें एक इशू जो सामने आया है दैट इज अबाउट रूरल स्प्रेड, कि ये जो इन्फेक्शन है अब रूरल एरियाज में जो है वो पीटरिंग हुआ है, सो उसको कंट्रोल करने के लिए डायरेक्शंस हैव बीन इशूड टू अंडरटेक एग्रेसिव रैट एंड आरटीपीसीआर टेस्टिंग इन रूरल एरियाज, और हम वही कर रहे हैं। अपने जितने भी रूरल एरियाज है जहां से हमें कुछ केसेस रिपोर्ट हुए हैं वहां पर हमने अपनी जो टेस्टिंग है उसको स्केल अप किया। तो पता है हमारे NH-44 पे जो एसेंशियल सप्लाईज की गाड़ियां चलती हैं वहां पर हमारी रैट की टेस्टिंग एग्रेसिव टेस्टिंग चलती है, इसी तरह जेटी पे एग्रेसिव टेस्टिंग होती है। उसके अलावा हमने पिछले कुछ टाइम में कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की भी जो है बड़ी एग्रेसिव टेस्टिंग की है और काफी पॉजिटिव केसेस वहां से जो है निकले हैं। लेकिन हमारी ओवरऑल जो रिकवरी है पेशेंट्स की वो अच्छी है, और हमें उम्मीद है कि कोरोना कर्फ्यू की जो कंटिन्यूएशन से वी विल बी एबल टू कंट्रोल दी पॉजिटिविटी या पॉजिटिव केसेस जो हमारे आए हैं। अब तक हमारे डिस्ट्रिक्ट में हमने 8 कंटेनमेंट जोन्स बनाए हैं, और इन 8 कंटेनमेंट जोन्स में जो टोटल पॉपुलेशन जिनकी 100% सैम्पलिंग होती है वो 2345 है, जिसमें से हमने तकरीबन 2035 लोगों को उनकी सैम्पलिंग उनकी टेस्टिंग कर दी है और 100 पॉजिटिव केसेस यहां से निकले हैं। ऑफ लेट हमने एक मीटिंग भी ली है जिसमें हमने कपल ऑफ दीज माइक्रो कंटेनमेंट जोन जहां 100% सैम्पलिंग पूरी हो चुकी है और पॉजिटिव केसेस नहीं आ रहे हैं तो उनको डी नोटिफाई करने के बारे में सोच रहे हैं। हमारे टोटल जो ऑक्सीजन के जो सिलेंडर्स हैं राइट अक्रॉस द डिस्ट्रिक्ट वो 702 है, और इस वक्त जो मेरे पास फिगर है उसमें 226 जो डी टाइप जिसे जम्बो टाइप सिलेंडर्स कहते हैं वो फिल्ड है और 50 अनफिल्ड है। जो बी टाइप है उसमें 335 सिलेंडर्स हैं जिसमें 10 अनफिल्ड है। जो ही हमारी अनफिल्ड ऑक्सीजन सिलेंडर्स की क्वांटिटी बढ़ती है तो वी इमीडिएटली टेक इट विद द कोऑर्डिनेशन सेल जो हमारा है उसके साथ टेकअप करके हम अपने इन गैस सिलेंडर्स को रिफिल कराते हैं। टचवुड अभी तक हमें कोई ऑक्सीजन रिलेटेड इमरजेंसी का सामना नहीं करना पड़ा है। बहुत जल्द हमारा अपना ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट भी जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा, उसके जितने भी कोलैटरल पैराफर्नेलिया है हमने वो इंस्टॉल किया है और हमारा लेटर ऑफ इंटेंट भी इशू हुआ है, एंड वी आर होपफुल दैट इन द नेक्स्ट 1 month आर ओन ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट विल बी अप एंड रनिंग। जैसा कि आपको पता है कि द ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर ने और गवर्नमेंट ने इंस्ट्रक्शंस इशू की कि हर पंचायत में 5-bedded कोविड केयर सेंटर या कोविड वार्ड एस्टेब्लिश करना है। इसके लिए पिछले एक दो दिन में हमने सीरीज ऑफ मीटिंग्स की हैं। कल भी ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अपनी मीटिंग में डायरेक्शंस इशू की हैं कि दीज हैव टू बी इमीडिएटली पुट इन प्लेस। तो वी आर कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द चीफ मेडिकल ऑफिसर, हमारे DPOs लोकेशंस को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, और बहुत जल्द आने वाले एक दो दिनों में हमारी लोकेशंस आइडेंटिफाई हो जाएंगी और इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमको जैसे बेड्स वहां रखने हैं, सिलेंडर की फैसिलिटी वहां पर रखनी है,
कोविड मैनेजमेंट किट की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, और जो स्टाफिंग के इश्यूज है वो आने वाले एक दो दिनों में इश्यू करके वी विल वेरी शॉर्टली स्टार्ट दीज कोविड वार्ड्स इन पंचायत, ऑल द 143 पंचायत्स, जिसके लिए फंडिंग की गाइडलाइंस भी हमको जो है वो मिली है। जैसा कि आपको पता है, गवर्नमेंट ने पहले चार डिस्ट्रिक्ट्स को छोड़ के 16 डिस्ट्रिक्ट्स में पहले जो है वो नाइट कर्फ्यू इम्पोज किया, विच वॉज इम्पोज इनिशियली फ्रॉम 10 PM टू 6 AM, देन इट वॉज रिड्यूस फ्रॉम 8 AM टू 6 PM, एंड देन लाइक द अदर फोर डिस्ट्रिक्ट्स, ऑल द 20 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ DJKUT में जो है हमने कोरोना कर्फ्यू लगाया, और उसके बाद इसकी एक्सटेंशन भी हुई। इससे दो तीन चीजें हुई, एक तो ये था कि जो क्राउडेड प्लेसेस पे लोगों का जमावड़ा होता था वो कम हुआ, जिसकी वजह से कोविड स्प्रेड में काफी हद तक कमी आई, और दूसरा ये हुआ कि जो कोविडेटर्स होते हैं, जो बेसिकली जिन्होंने कोरोना कर्फ्यू की जो वायलेशंस की है उनके खिलाफ हमने सख्त कार्रवाई की है। लाइक इन द लास्ट 1.5 months डिस्ट्रिक्ट रामबन हैज कलेक्टेड क्यूमुलेटिव फाइन ऑफ 8,68,000, और हमारी जो पुलिस की टीम्स हैं और हमारे जो बाकी अफसरान हैं जिनको हमने फाइन इम्पोजिंग अथॉरिटीज बनाया है, जैसे हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर फूड हैं, तहसीलदार हैं, हमारे सब इंस्पेक्टर्स हैं ट्रैफिक के, पुलिस के, और DIC के कुछ ऑफिसर्स को हमने ये एम्पावर किया है, वो हर दिन ड्राइव्स करते हैं, और वायलेटर्स से खास तौर से वो जो मास्क नहीं लगाते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स को वायलेट करते हैं, उनके खिलाफ भी हम फाइन लगाते हैं। आज भी हमने कोई 11,000 का फाइन इम्पोज किया है, क्यूमुलेटिवली वी हैव क्रैक डाउन ऑन देम, ताकि एक डिटरेंट क्रिएट हो और लोग अपने घरों के अंदर रहें। हम अपने ट्विटर हैंडल के थ्रू भी लोगों से यही गुजारिश करते हैं कि जितना हो सके अपने घर पे रहें, और not to come out, they should not come out unless they have a medical emergency. कहते हुए बहुत खुशी होती है कि लोगों ने बहुत कोऑपरेट किया है, जितना एहसास एडमिनिस्ट्रेशन को है कि इस वायरस की चेन को, ट्रांसमिशन चेन को तोड़ना है, उतना ही एहसास लोगों को भी है, they also realize कि threat from the COVID infection, तो उनकी कोऑपरेशन से वी हैव बीन एबल टू इम्पोज स्ट्रिक्टली द कोरोना कर्फ्यू। हम जैसे कि आपने भी देखा होगा, अपने ट्विटर हैंडल पर रेगुलरली पिक्चर्स पोस्ट करते हैं अपने जितनी भी मेन टाउन्स की हैं, चाहे वो बस स्टैंड्स की हैं, मार्केट प्लेसेस की हैं, और उनको जो है हमने टोटली जो है उनको सील किया हुआ है, और लोगों की मूवमेंट पे हमने टोटल रोक लगाई है। उसके अलावा ट्रेडर्स का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, वो बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं, उनकी इंटरेस्ट को भी मद्देनजर रख के हमने एक मॉर्निंग में, जैसा कि बाकी डिस्ट्रिक्ट में भी आपने देखा होगा, एक विंडो प्रोवाइड की है जिसमें वो लोगों को एसेंशियल सप्लाईज की स्टॉकिंग में मदद दें। तो मुझे उम्मीद है कि जब तक कोरोना कर्फ्यू रहेगा तो लोगों की जो कोऑपरेशन है दैट विल ऑल्सो कंटिन्यू। रिसेंटली हमारे डिविजनल कमिश्नर सर ने 3-4 दिन पहले हर डिस्ट्रिक्ट की वॉलंट्री चैरिटेबल और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के साथ मीटिंग की। उन मीटिंग में एन अपील वॉज मेड टू देम कि वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के एफर्ट्स को सप्लीमेंट करें। हम भी उनको एक्टिवली यहाँ पर अपनी जो कोविड कंटेनमेंट, कोविड मिटिगेशन एफर्ट्स में इन्वॉल्व करते हैं, यूनिलैटरली भी और वॉलंटरली भी वो अपने लेवल पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और बहुत ऐसे लोगों को दे आर रीचिंग आउट जो कर्फ्यू की वजह से या उनकी जो लाइवलीहुड की इश्यूज है उनको वो केटर कर रहे हैं। बहुत सारे केसेस में दे आर हेल्पिंग पेशेंट्स टू रीच टू दी हॉस्पिटल्स, टू दी अदर सब सेंटर्स, हेल्थ सेंटर्स फॉर इमीडिएट मेडिकल ट्रीटमेंट। तो हमें उम्मीद है कि आने वाले टाइम में भी इन वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जो कोऑर्डिनेशन है वो कंटिन्यू रहेगा।